हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। और हमारा जो पहला टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क, ये आपके चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्क हम आज इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेटवर्क के बारे में, व्हाट इज अ नेटवर्क। तो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड ईच अदर टू शेयर कॉमन रिसोर्सेज। मींस जब बहुत सारे कंप्यूटर, मोर देन वन कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होकर के किसी रिसोर्स, किसी इंफॉर्मेशन, किसी मैसेज को आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो उसी को ही नेटवर्क कहा जाता है। जैसे आपकी अपनी डिवाइस मोबाइल जब किसी दूसरे डिवाइस मोबाइल से कनेक्ट होती है तो वहां पे वॉइस का आदान प्रदान होता है, ट्रांसमिशन होता है, शेयरिंग होती है, तो वो भी आपका एक तरीके से नेटवर्क बन गया। इसी तरीके से जब ग्रुप ऑफ मोर देन वन मोबाइल फोन डिवाइसेस या अदर टाइप की कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद जब मैसेज को शेयर करते हैं तो हमारा नेटवर्क की कैटेगरी में आएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट्स, हमारे नेटवर्क के कुछ कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स, जहां पे हम लोग बात करेंगे मेन कंपोनेंट्स, मैसेज सेंडर, रिसीवर एंड मीडियम। इसके बारे में जानेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे सेंडर। सेंडर वो होते हैं जो मैसेज को सेंड करते हैं, रिसीवर वो होते हैं जो मैसेज को रिसीव करते हैं, और इनके बीच में वो पाथ जिससे मैसेज ट्रांसमिट होता है एक ओर से दूसरी ओर, उसी को ही हम लोग मीडियम कहते हैं। अब मैसेज वो होता है जिस मैसेज को, जिस कंटेंट को, जिस डाटा को हम लोग सेंडर टू रिसीवर या किसी दूसरे को शेयर करना चाहें, चाहे वॉइस के फॉर्म में हो, चाहे ऑडियो वीडियो टेक्स्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसे हम मैसेज कहते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ नेटवर्क। इस पर हम ध्यान देंगे। हमारे जो नेटवर्क है वो कई टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। यहाँ पे हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू साइज नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क, जैसा कि आप नाम से जान रहे हो, लोकल एरिया मतलब किसी एक लोकल एरिया, छोटे एरिया से जो नेटवर्क पर करते हैं उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे आपके स्कूल का नेटवर्क या किसी हॉस्पिटल का नेटवर्क, वहां पे 10 कंप्यूटर रखे हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, फाइल को शेयर कर रहे हैं, वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है। किसी एक बिल्डिंग में 50 कंप्यूटर रखे हैं, आपस में से एक दूसरे से कनेक्ट हैं, फाइल को शेयर कर रहे हैं, हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है। इसके बाद मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, यहाँ पे हमारे क्या है कि वो नेटवर्क आते हैं जो दो सिटी के बीच में रखे हुए कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, उसे हम मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। या दो डिफरेंट ब्रांच, बैंक के ब्रांचेस आपस में जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और आपस में मैसेज को, डाटा को शेयर करते हैं, तो हमारा मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क आएगा। इसकी रेंज लगभग 50 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर तक होती है। और एट लास्ट हम बात करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क की। ये वो नेटवर्क होते हैं जो ग्लोबली वर्क करते हैं, मीन्स ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट या मोर देन वन कॉन्टिनेंट, मोर देन वन कंट्री को आपस में कनेक्टेड है करते हैं, फाइल को शेयर करते हैं बाई वायर मीडियम और वायरलेस मीडियम। यहाँ पे बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होता है वायरलेस मीडियम होता है, जिसमें आपके रेडियो वेव्स का यूज होता है। तो ये हमने आपके सामने बात रखी नेटवर्क के बारे में। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क आपके दो टाइप के होते हैं, पैन और कैन। पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क, कैन मीन्स कैंपस एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो किसी एक रूम के अंदर वर्क करे, वहाँ छोटे एरिया होता है। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है, जो किसी एक बिल्डिंग में वर्क करता है, उसे हम कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो हमारी ये आज जो चर्चा रही नेटवर्क को लेकर के रही, और इसके बाद हम आगे जो भी नए वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे वो हम रखेंगे रिसोर्सेस ऑफ नेटवर्क या उसके बारे में। ठीक है, थैंक यू।